स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी तक जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा वो क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो वीडियो था हमारा इस चैनल के अंदर वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन पे ही था, तो वो आपने आई होप की देख लिया होगा। उसके बाद देखिए हमने नेक्स्ट जो बनाया था वो था क्या, इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन पार्ट था। आपको बताया गया कि करंट क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, इक्वल टू क्यू बाई डी, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, और फिर देखिए करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। हालांकि इसके पास देखिए डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है। फिर देखिए ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक और टर्म बताई थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं देखिए आगे क्या करंट डेंसिटी। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो क्या आता है, करंट डेंसिटी आता है। देखिए करंट डेंसिटी बेसिकली इसकी क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, देखिए हमें क्या, जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होने के बावजूद भी वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर एडिशन लॉज को फॉलो नहीं करता है। बट क्योंकि हमें डायरेक्शन देखिए वहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसके अंदर, करंट के अंदर, तो कहीं ना कहीं हमें हो सकता है उसके वेक्टर फॉर्म की जरूरत पड़े। तो हमने एक नई कंप्यूटर डिस्की क्या, करंट डेंसिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये करंट नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। हाँ, उसी से मिलता जुलता जरूर टर्म है देखिए, लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। कैसे उससे अलग है ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। पहले समझ लेते हैं कि करंट डेंसिटी है क्या, और फिर बाद में आपको क्या क्या डिफरेंशिएशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए समझ लेते हैं देखिए किस तरीके से। करंट डेंसिटी बेसिकली जो है ये प्रॉपर्टी है एक पॉइंट की, पॉइंट इनसाइड एनी कंडक्टर। ये करंट डेंसिटी जो है वो क्या है, ये प्रॉपर्टी है किसी पॉइंट की, और वो पॉइंट कहां, इनसाइड एनी कंडक्टर। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं, मान लीजिए ये हमारे पास कोई सिलिंड्रिकल वायर है। आपको जैसा कि पता जितने भी हमारे पास वायर होते हैं वो सब सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं, और करंट इस तरीके से देखिए फ्लो कर रहा है इसके अंदर। ये देखिए ऐसे फ्लो कर रहा है करंट। हमने क्या किया, इस कंडक्टर के अंदर यहां एक पॉइंट ले लिया, और मैं इस पॉइंट पे ये जानना चाहता हूं कि करंट डेंसिटी कितनी है। ध्यान दीजिएगा मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, जबकि करंट डेंसिटी जो है वो उस कंडक्टर के अंदर किसी एक पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। कैसे, इस पॉइंट के ऊपर मैं अगर एक मान लीजिए रिंग बनाऊं, एक रिंग बनाई मैंने जिसका एरिया यूनिट है, यूनिट एरिया मतलब चाहे वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, 1 mm स्क्वायर हो, बट यूनिट है देखिए, एक है, यूनिट कुछ भी हो सकती है, एमएम स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जो आपको सहूलियत लगे उसके हिसाब से आप रखें। देखिए कि करंट का अमाउंट क्या है, या फिर कितना बड़ा कंडक्टर है उसके हिसाब से आप यहाँ पे एरिया ले सकते हैं। तो हमने एक रिंग ली, देखिए क्लियर है इस तरीके से, देखिए एक रिंग है हमारे पास, ये करंट जा रहा है देखिए। तो इस रिंग के अंदर से, इस रिंग के अंदर से कितना अमाउंट करंट का पास कर गया, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, क्या द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, क्या नाम दिया गया है इसको, करंट डेंसिटी बोला गया। कि वो करंट का अमाउंट जो यूनिट एरिया में से पास होता है उसको क्या नाम दिया गया, करंट डेंसिटी। जैसे J इज इक्वल टू आई बाई ए, ये फॉर्मूला हो गया देखिए, क्लियर है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, J इज इक्वल टू आई बाई ए, J से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंट डेंसिटी को। ओके, तो एक तो ये बात रही, इसके अलावा देखिए मैं कुछ छोटी बातें और देखिए आपको बताऊं इसमें। अगर मैं इस रिंग को ऐसे वर्टिकल ना रख के किसी एंगल पे रख देता इस तरीके से देखिए, तो क्या देखिए हमारे पास बेसिकली ये करंट की डायरेक्शन देखिए यही है, करंट की डायरेक्शन वगैरह मैंने कुछ भी चेंज नहीं की है, करंट की डायरेक्शन वैसी की वैसी है। बस मैंने क्या किया, रिंग को जो है देखिए वो टिल्ट कर दिया, कितने एंगल से, थीटा एंगल से, यहां से इस तरीके से टिल्ट कर दिया है। तो देखिए कहीं ना कहीं हमें पता लग रहा है, आपको ही पता लग रहा है कि यहां से जो करंट देखिए जा रहा था, अब
इस एरिया में से जो करंट जाएगा वो कुछ ना कुछ उसकी कमी आ जाएगी, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। देखिए बिल्कुल कम हो जाएगा सर। तो कैसे पता करेंगे, देखिए अब कैसे निकालेंगे, अब एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि ये रिंग था तो इसका जो एरिया वेक्टर था वो इधर था पहले, तो एरिया वेक्टर और करंट दोनों के बीच में एंगल कितना था, थीटा, 0 डिग्री का। बट यहाँ पे जो है अब एरिया वेक्टर ये आ गया। देखिए आपको जैसा कि पता है एरिया वेक्टर हमेशा ही सरफेस के परपेंडिकुलर या तो इधर या इधर होता है, मैंने ये ले लिया, ठीक है कोई भी ले सकते हैं, और करंट के डायरेक्शन तो वही है। अब देखिए दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये थीटा है, जितने से टिल्ट करेंगे उतने से नीचे झुक जाएगा। यस बिल्कुल सर। तो अब जो है देखिए इसका एक कंपोनेंट जो इधर आएगा और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इधर कितना आएगा a cos थीटा और इधर कौन सा आएगा a sin थीटा। तो इसमें से तो कोई भी करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि देखिए इसका एक इधर कंपोनेंट आने का मतलब ये वाला हिस्सा हुआ और ये वाला हिस्सा किसका हुआ, कोसाइन वाला। देखिए जो जिसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, कोसाइन, और ये वाला साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो हिस्सा ऐसे आएगा। तो ऐसे वाले में से तो करंट जाएगा ही नहीं अंदर से, ऐसे थोड़ी ना होकर निकल रहा है। देखिए तो करंट इसी में से पास करेगा, कौन से कंपोनेंट में से, कोसाइन में से। तो फिर फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, फॉर्मूला लिखा जाएगा जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा लिख दिया जाएगा। देखिए वो ये एरिया ये रहेगा जिस एरिया में से करंट पास होगा, वो एरिया अब टोटल एरिया नहीं रहा, ए एरिया नहीं रहा इस रिंग का। अगर मैं एरिया ए बोल दे रहा हूं तो यहां पे तो ए में से पास हो रहा है पूरा का पूरा करंट, बट अब जब इसे टिल्ट कर देंगे थीटा एंगल से तो पूरे ए में से पास नहीं होगा, कितने में से पास होगा, ए कॉस थीटा में से, ए साइन थीटा वाले हिस्से में से कुछ भी पास नहीं होगा। तो जो फॉर्मूला हमारे पास j इक्वल टू आई बाई एरिया होता है, अब वो एरिया नीचे ढाने के का वो एरिया रखा जाता है जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो कौन से में पास हो रहा है, कोसाइन वाले में से। इस तरीके से रखा जा सकता है। अच्छा i इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखा जा सकता है j a cos थीटा, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। अब आपको ध्यान होगा कोसाइन जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में आता है बेटा, इसमें आता है डॉट प्रोडक्ट में, तो इसको लिखा जा सकता है i इज इक्वल टू j वेक्टर डॉट a वेक्टर। जो आप जैसा कि आपको पता है एरिया और करंट डेंसिटी दोनों ही एक वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें एक स्केलर रिटर्न करेगा। देखिए तो आई हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इस तरीके से भी इसको समझा जा सकता है। क्लियर है, आई होप आप लोगों को देखिए क्लियर हुआ होगा। अच्छा इसके बाद थोड़ी देखिए एक दो बातें और कर लेते हैं। आइए भाई हमारे पास जो फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में जे इज इक्वल टू आई बाई ए, आपसे यूनिट पूछ ली जाए कि बताइए करंट डेंसिटी की यूनिट क्या है, तो यूनिट निकालना बहुत ही आसान है। देखिए करंट जो है उसका एम्पियर और एरिया जो है मीटर स्क्वायर, तो बेसिकली यूनिट जो है यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ध्यान दें यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा अब बात करते हैं अगर बहुत ही छोटा एरिया हो, ये देखो मैंने कंप्लीट एरिया ए ले लिया, एक बहुत ही छोटा एरिया डीएस की बात करते हैं, तो इस रिप्रेजेंटेशन को देखिए किस तरीके से यहां रखेंगे हम, I इज इक्वल टू जे डी एस कॉस थीटा लिख देंगे, या फिर I छोटा एरिया है तो छोटा ही करंट जाएगा, डी आई लिख रहा हूं तो टोटल करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे J वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ऐसे ही देखिए लिखा जा सकता है। अगर हम छोटे छोटे एरियाज की बात करें, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दें तो पूरे एरिया में से कितना निकलेगा, तो इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। क्लियर है, तो ये हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक करंट डेंसिटी था जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा मैं आपको बताने वाला था कि करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या अंतर है। जैसे कि मैंने आपको बताया करंट डेंसिटी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट लेके आना ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इसकी जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि करंट जो है अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो उसका इफेक्ट अलग अलग हो जाता है। देखिए तो इसलिए हमने उसकी वेक्टर फॉर्म दिखाने के लिए करंट डेंसिटी का यूज करना ही सही माना। देखिए और ये सही निकला भी हमारे लिए। उसके बाद देखिए हम बात करें अगर कि करंट डेंसिटी जो है उसको डिफाइन कैसे किया गया, उसको डिफिनेशन देखिए हमने इस तरीके से दे दी पूरी की पूरी। अब बात आती है कि देखिए क्या अंतर है फिर इन दोनों में, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट से कैसे अलग है। देखिए इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पूरे के पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी होता है, करंट एक पूरा कंडक्टर मिलकर बनाता है, जबकि करंट डेंसिटी एक पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, नाउ करंट डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर पर यूनिट एरिया। क्लियर। नेक्स्ट यूनिट आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है और इसका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक डेंसिटी
और करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास देखिए कुछ डिफरेंस है जो आप लोग याद रख सकते हैं। एक दो बार देखिए बोर्ड में भी पूछा गया है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको याद रहेगा तो बताने में देखिए बहुत आसानी होती है। क्लियर है? तो ये बहुत ही छोटी सी टर्म देखी हमने यहाँ पे सीखी। आइए अब आगे चलते हैं। अब कुछ रिलेशंस आने वाले हैं आपस में, करंट, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन सब में देखिए कुछ रिलेशंस अब बनने वाले हैं जो आगे चल के हमारी हेल्प करने वाले हैं देखिए बड़े न्यूमेरिकल्स में, और आगे कहीं ना कहीं देखिए किसी भी चैप्टर में हमें यूज आते रहेंगे। जहां पे भी करंट की बात होगी वहां पे इन रिलेशंस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखिए, और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं देखिए क्या रिलेशन बिटवीन करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। सबसे पहला रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बेस रिलेशन बोल सकते हैं। अगर ये हमें आ गया समझ में तो देखिए बाकी के रिलेशन बहुत आसानी से निकल जाएंगे। इसका हम इसका जो रिजल्ट आएगा उसका डायरेक्ट यूज में लेंगे देखिए। और दूसरी आपको मैं बता दूं, ये वाला रिलेशन इतना कोई टफ है नहीं देखिए, बहुत ही ज्यादा आसान है। आइए मिलकर करेंगे, एक साथ मिलकर करेंगे तो चीजें आसान हो जाती हैं जिंदगी में देखिए। वैसे तो संकट का समय है, अभी मिलना जुलना कम रखना है। आगे चल के देखिए जब थोड़े से उभर जाएंगे हम लोग, फिर हम मिलना जुलना वापस शुरू करेंगे। आइए समझते हैं क्या रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरीके से करेंगे देखिए। आइए समझते हैं। ये हमारे पास कोई वायर है, वायर कंडक्टर बोल सकते हैं, क्लियर, जिसका लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। इसमें एक और मैंने आपको बता देता हूं, एन स्मॉल एन डिफाइन किया गया इसके अंदर। क्या ये एन स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये दिया गया है, ये गिवन है। नंबर डेंसिटी बोल सकते हैं, चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं इसको, क्लियर है? ओके, अभी तक देखिए इसको कहीं पे भी हमने एक्सटर्नल पावर सप्लाई के साथ जोड़ा हुआ नहीं है। तो हम क्या पता कर सकते हैं? इतनी ही चीजें मान लीजिए मैंने कर दी है, एक वायर है जिसका लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, नंबर डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसमें एन है। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या आप मुझे इस वायर में टोटल नंबर ऑफ चार्ज या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं, बेसिकली एन का नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया। सो क्या आप मुझे इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं या चार्ज बता सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा कि हाँ बता सकते हैं। कैसे? आइए समझते हैं भाई। एन क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम। मैं आपसे पूछूं कि इस वायर की वॉल्यूम कितनी है, तो देखिए वायर जो है सिलेंड्रिकल शेप का है, और सिलेंड्रिकल शेप का है तो सिलेंडर जो है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? सिलेंडर जो होता है उसका पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब पाई आर स्क्वायर तो एरिया होता है, तो ये ए इंटू एच लिख सकता हूं। एच क्या है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो मैंने वायर लिया है वो एक सिलेंड्रिकल शेप का है, तो उसका एरिया ए है, और हाइट जो है वो मैंने एल ले ली है। तो बेसिकली वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? ए एल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी सर, बिल्कुल हो जाएगी। हाँ, तो यही देखिए समझाना चाह रहे थे, इस वायर की टोटल वॉल्यूम कितनी है? एल। और यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एन है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग गए? हाँ सर, बिल्कुल पता लग गए। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भी हमारे पास? एन ए एल। यूनिट वॉल्यूम में एन है तो एल वॉल्यूम में एल हो जाएगा, बिल्कुल सर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं। ओके, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम ई मानते हैं, याद होगा आपको बहुत पहले मैंने बताया था ई 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल चार्ज इस वायर में कितना है वो बता सकते हैं देखिए। सो टोटल चार्ज कितना है? क्यू से दिखा रहा हूं, एन ए एल ई हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल हो जाएगा, क्लियर है। ओके, इतना देखिए हमें ये सब कुछ दिया हुआ है। अब और क्या दिया हुआ है देखिए, अभी वो समझते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात आ रही है, अब देखिए किसकी बात आ रही है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात आ रही है, और उसके साथ साथ एक और चीज देखिए, करंट की बात भी हो रही है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट की बात अगर हो रही है तो हमें कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सोर्स लगाना ही होगा।
जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आए, और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, चार्ज चलेंगे, तो क्या बनेगा, करंट बनेगा। तो आइए हम इसको अब देखिए, एक्सटर्नल पावर सप्लाई दे रहे हैं, मान लीजिए मैंने एक सेल से जोड़ दिया इसको, ये देखिए प्लस माइनस इसका जो वोल्टेज है वो वी मान लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है ई, क्लियर। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने सेल के हेल्प से उसको दे दी, क्लियर है, यस। तो जैसे देखिए हमने जोड़ेंगे तो आपको आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रहे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर चलेंगे विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन्स का इस एंड से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा वो निकाल सकते हैं, डिस्टेंस पता है, तो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक एंड से दूसरी तरफ जाने के लिए, तो वो टाइम कितना होगा, देखिए हमें जैसा कि पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में इधर जा रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम होंगे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा, तो डिस्टेंस एल है और वेलोसिटी वी डी है, क्लियर है। तो ये देखिए हमारे पास टोटल चार्ज इतना फ्लो करके गया और इतने टाइम में फ्लो करके गया। अब करंट, एवरेज करंट, करंट की बात बोल रहा हूं, तो सिंपल सी बात क्या पूछ रहा हूं आपसे, एवरेज करंट, तो नाउ द करंट इन द वायर और कंडक्टर जो भी हमने लिया हो इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम एवरेज, सो एन ए एल ई डिवाइडेड बाय एल अपॉन वी डी, वी डी ऊपर चला जाएगा, एल से एल कट जाएगा, सो आई इज इक्वल टू एन ए वी डी, ये देखिए हमारे पास वो रिलेशन आ गया जो हमें चाहिए था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आसान बहुत है, देखिए इसकी जो इस टॉपिक की जो इंपॉर्टेंस है वो आप यहां से मत देखिए, सर ये तो बहुत ज्यादा आसान है, हम तो बहुत जल्दी कर लेंगे इसे, इसके ऊपर मत जाइए, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, रिलेशन आगे बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, ये आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इस बात को भाई, आई बात समझ में, मुझे पता है आपको समझ में आ गया कि बहुत ही छोटा सा बहुत ही आसान है, देखिए अब इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे, देखिए लेके चलते हैं, जैसे कि ये एक रिलेशन निकल गया, अब हमसे कोई पूछ ले, कंटिन्यू करेंगे, ये डायग्राम देखिए चलेगा, ये परमानेंट डायग्राम हो गया, जब तक मैं रिलेशन कराऊंगा यही डायग्राम करने वाला है, अब समझिए ध्यान से, अब एक और रिलेशन निकालते हैं इसी से, क्या नेक्स्ट है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, रिलेशन बिटवीन जे एंड वीडी, वो जे है, जे ऐसे कौन लिखता है सर, अच्छा तो अपने अल्फाबेट में लिख कर रहा, चलो कोई बात नहीं, देखिए क्या रिलेशन बिटवीन जे एंड वीडी, तो ये कैसे निकालेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, देखिए कैसे, एज वी नो, जैसा कि हमें पता है अभी भी हमने निकाला कि I इज इक्वल टू एन ए वी डी होता है, हाँ सर होता है, मैं एक काम करता हूं, देखिए इस A को उठा के घर ले आता, तो I बाई A इज इक्वल टू एन ए वी डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा सर, तो I बाई A तो हमारे पास J ही था ना भाई, हाँ सर ये तो बहुत आसानी से आ गया सर, देखिए करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन कितना आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, देखिए इससे ज्यादा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता जीवन में, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, देखो निकल जाएगा सर, अच्छा अब देखिए और आगे कंटिन्यू करते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो 3 और 2 मार्क्स में आ चुका है, देखिए बोर्ड के अंदर, क्या रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये और करंट डेंसिटी जे, इनमें क्या रिलेशन है वो निकालते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, देखिए कैसे, आइए समझते हैं, नेक्स्ट ये पहला था हमारे पास, ये दूसरा रिलेशन हम निकाल चुके, अब थर्ड की बात कर रहा हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या रिलेशन बिटवीन क्या क्या था भाई, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है, क्या रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, आइए कैसे निकालते हैं, तो पीछे वाले रिलेशन को ही आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं,
थ्री मार्क्स में आता है तो देखिए आपको बताना पड़ेगा पूरा ढंग से पूरा ही सोल्व करें, अदरवाइज वन और टू मार्क्स में आता है तो डायरेक्ट किया जा सकता है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। एज वी नो जे इज इक्वल टू एन ई वी डी होता है, होता है हाँ सर ये तो होता है। और वीडी की वैल्यू क्या थी याद कीजिए, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, निकाला हुआ है, कल ही निकाला था, ई बाय एम इंटू टॉप, ये था डिफ्ट वेलोसिटी का। देखिए लास्ट में जो डेरिवेशन किया था उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म यही आया था, बिल्कुल सर यही आया था। ओके देखिए स्क्रीन को पॉज करके आप पूरा लिख सकते हैं, क्लियर। ओके आगे देखते हैं, देखिए तो अब इस रिलेशन को हम आगे करते हैं कंटिन्यू, देखिए कैसे निकालेंगे, डायग्राम की हमें जरूरत पड़ती रहेगी, देखिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिलेशन में इसको रखेंगे हम। ओके तो इसी को देखा आगे करते हैं, तो जे इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एन ई स्क्वायर कैपिटल ई बाय एम इंटू टॉप, ये आ जाएगा, देखिए क्लियर है। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब ये जो हमारे पास आया है रिजल्ट, ध्यान से समझिएगा, देखिए इस रिजल्ट में मैं कुछ चीजें आपको और स्पेसिफाई करना चाह रहा हूं, देखिए क्या कि अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका टी इस कंडक्टर का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो टॉ कांस्टेंट हो गया, यस सर बिल्कुल सही बात है सर। एन कांस्टेंट है फॉर गिवन मटेरियल, ध्यान दीजिएगा भाई गिवन मटेरियल, अगर मटेरियल चेंज होगा ना तो n भी चेंज हो जाएगा, n कब तक कॉन्स्टेंट रहेगा जब मटेरियल सेम रहे, मटेरियल को चेंज नहीं किया जाए, पूरा का पूरा जो कंडक्टर है वो एक ही मटेरियल का बना रहे। ओके e आपको पता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम फिक्स है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³¹ केजी ये भी फिक्स है, बिल्कुल सर। ओके e जो है वो बाहर वाले सेल का है, देखिए क्योंकि वो डीसी तो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, हालांकि उसे कांस्टेंट हो सकता हूं बट बाहर वाले सेल को चेंज करेंगे तो e चेंज हो जाएगा, तो बेसिकली हमें j और e में ही रिलेशन निकालना है, उसको रखना ही है, क्लियर है। ओके सर तो इसको लिखा जा सकता है j इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर 2 बाय m इनटू e, ऐसे लिखा जा सकता है। और ये जो टर्म है ये पूरी की पूरी हमारे पास क्या निकल गई है, कांस्टेंट निकल गई, बट ये कॉन्स्टेंट कब निकलेगी जब ये कंडीशंस है सारे के सारे, देखिए अब इस कॉन्स्टेंट को हमने एक नाम दिया नया सिग्मा, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, क्या नाम दिया गया है सिग्मा, और जिसे क्या बोला जा गया है कंडक्टिविटी, इस मटेरियल की कंडक्टिविटी। तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पूछा गया है पीछे वाले पेपर आप उठा के देख सकते हैं, तो बहुत ही आसान, देखिए हमारे पास रिजल्ट आया है और यहां पे ध्यान से समझिएगा सिग्मा क्या आया है, एन ई स्क्वायर 2 बाय एम, किसी भी मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, दो ही फैक्टर पे डिपेंड करेगी क्योंकि एम और ई तो कांस्टेंट है, तो ये दो ही चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ मटीरियल और दूसरा किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, इसको किस टेम्परेचर पे रखा गया है, इसके अलावा किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें जो है देखिए आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप लोग स्क्रीन को पॉज करके पूरा लिख सकते हैं, आई होप आप लोग वो देखिए यहां तक क्लियर हुआ होगा पूरा का पूरा, क्लियर। ओके नेक्स्ट जो है हम इसके आगे कुछ एक दो रिलेशन और करेंगे, जैसे कि ओम्स लॉ, उसका प्रूफ, लॉस एंड आर रेजिस्टेंस, आपने पढ़ा हुआ 10th क्लास में ओम्स लॉ के अंदर जो आता है, देखिए उसके बारे में नेक्स्ट डिस्कशन रहेगा हमारा, क्लियर है। ओके इतना आप करें अच्छे से।